हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये हमारा पार्ट थ्री है। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू अपलोड कर दिया हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी से और विस्तार पूर्वक समझा जाएगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने भी सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल और इस टॉपिक का 36वां सवाल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किया था, जबकि दोस्तों लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में किया था और दोस्तों मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण दोस्तों इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत, जिसको दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। यहां पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पहले उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बनता है। साथ में दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि गोविंद बल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत भारत सरकार में किस पद पर रह चुके हैं? तो आपको याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत भारत सरकार में गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊँगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने भी सवाल आपके पेपर बने आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सन में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ था? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए 1936 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस सम्मेलन में क्या मांग उठी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इस सम्मेलन में लगान एवं कर्जों में छूट की मांग रखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन जो लखनऊ में हुआ था वहां पर कौन सी मांग रखी गई थी? तो आपका आंसर होगा कि इस सम्मेलन में लगान एवं कर्जों में छूट की मांग रखी गई थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद लाया गया था, जबकि दोस्तों 1921 ईस्वी में इसकी राजधानी लखनऊ बन गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो सवाल याद हो गए हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, किसने रखा था, उसके बारे में दोस्तों हम अगले सवाल में विस्तार से बात करेंगे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थाई सरकार बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में उत्तर प्रदेश की अस्थाई सरकार बनाई गई थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर कि ऐसा हुआ क्यों था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में 16 अगस्त 1942 को, आपको डेट याद रखनी है, 16 अगस्त
1942 को जेल से आंदोलनकारियों ने कैदियों को छुड़ा लिया। इसके बाद क्या हुआ कि सरकारी अधिकारियों को बंदी बनाकर कांग्रेस के नेता चिंतू पांडे ने एक अस्थाई सरकार का गठन किया था। तो आपको यहाँ पर नाम याद होना चाहिए, चिंतू पांडे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में अस्थाई सरकार बनाई थी। क्यों बनाई थी? तो क्योंकि यहाँ पर आंदोलनकारियों ने कैदियों को छुड़ा लिया था और छुड़ाने के बाद सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लिया था। इसके कारण कांग्रेस के नेता चिंतू पांडे ने उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में अस्थाई सरकार बनाई थी। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि करबंदी आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका आंसर क्या होगा कि करबंदी आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। यहाँ पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले नहीं थे, इन्होंने जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो यह आंदोलन 5 मार्च 1931 ईस्वी को समाप्त हुआ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर एक पेपर में पूछा जाता है कि करबंदी आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को करबंदी आंदोलन समाप्त हुआ था और इस आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किनके सहयोग से किया था? तो जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद से करबंदी आंदोलन का सूत्रपात किया था। दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना है कि अपनी कॉपी और एक पेंसिल लेनी है और उससे दोस्तों इन क्वेश्चनों को लिखते हुए चलना है। साथ में दोस्तों आपको मैं जो एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ वो भी लिखना है, जिससे कि दोस्तों आपके पेपर में कैसा भी सवाल आ जाए आप एक बार उनको पढ़ोगे तुरंत आपको उसमें से कोई ना कोई सवाल मिल जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। कहाँ पर रखा गया था? इलाहाबाद में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दोनों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में, किस जेल में? नैनी जेल में रखा गया था, जबकि दोस्तों महात्मा गांधी जी को पूना के आंगा खा पैलेस में रखा गया था। तो यहाँ से अगर पेपर में पूछा जाता कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही यूनिक सवाल है और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इनको याद करते हुए चल रहे होंगे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे। कब हुए थे? तो दोस्तों एक तो हुआ था 1888 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1892 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1910 ईस्वी में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इनके अध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी, जबकि दोस्तों 1892 में ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और दोस्तों 1910 ईस्वी में विलियम ने की थी। किसने की थी? विलियम बिडवर्ग ने। तो आपको याद रखना है कि 1888, 1892 और 1910 ये 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? 1888 की जॉर्ज यूले ने की थी, 1892 की ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि दोस्तों 1910 अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो विलियम बिडवर्ग ने की थी। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आप इनको याद कर रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपको इस सवाल में सही मिलान करना है, लेकिन इसको सही मिलान करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो।
तो दोस्तों 1836 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंट बनाया गया और इसको उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत, और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर स्थित था, आगरा में स्थित था। जबकि दोस्तों 1877 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा गया, अवध एवं आगरा प्रेसिडेंट। क्या रखा गया था, अवध एवं आगरा प्रेसिडेंट, जो कि दोस्तों 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत कर दिया गया था और आज़ादी मिलने के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, जबकि दोस्तों 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत था और 1877 ईस्वी में इसका नाम क्या था, अवध एवं आगरा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत कब था दोस्तों, 1836 ईस्वी में इसको क्या कहा गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया था, आगरा व अवध का तो हो जाएगा 1877, संयुक्त प्रांत कब नाम दिया गया था 1937 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश कब नाम दिया गया था इसको 1950 ईस्वी में। मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपने याद कर लिया होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम कब था 1836 ईस्वी में, आगरा एवं अवध का प्रेसिडेंट कब था तो 1877 ईस्वी में, संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा था तो 1937 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था तो 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों 1937 के चुनाव में किसने बहुमत हासिल किया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अपनी सरकार का गठन किया था। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 1937 में विधानसभा चुनाव किसने जीता था और किसको पूर्ण बहुमत मिला था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने जीता था जिसमें कि गोविंद बल्लभ पंत ने अपनी सरकार का गठन किया। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि दोस्तों यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो जी बी मंगलवर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि दोस्तों विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। जी बी मंगलवर का पूरा नाम क्या है, तो जी बी मंगलवर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मंगलकर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को, कब, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपसे डेट पूछी जा सकती है कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तिथि को या किस दिन शहीद हुए थे, तो आपका आंसर होगा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों इस सवाल को हम थोड़ा सा समय देंगे और विस्तार को समझेंगे। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। अब दोस्तों आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको याद रखना है प्रथम महिला राज्यपाल आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जबकि दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी।
आप लोगों दोस्तों पेपर में देखा होगा अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का जो प्रथम राज्यपाल थी कौन थी, सरोजिनी नायडू, वो कब बनी थी। अब आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन से याद दूंगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पहले 3 बार अधिवेशन हुए थे। दोस्तों इलाहाबाद के बारे में अभी आपको बताया था कि इलाहाबाद में कितने हुए थे, 3 अधिवेशन हुए थे। जबकि दोस्तों लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए थे। कब कब हुए थे, एक हुआ था 1899 को, दूसरा हुआ था 1916 को, और तीसरा हुआ दोस्तों 1936 को। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आपको याद रखना है कि इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही जगह पर स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के 3-3 अधिवेशन हो गए थे। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब को 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया था। अब दोस्तों किस दिन घोषित किया था, तो आपको पता होना चाहिए 5 जून 1857 को। कब, 5 जून 1857 को पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, ये किसके पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया था। इसने कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और दोस्तों कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह का दमन किया था। तो यहाँ से आपके पास 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। इसका दमन किसने किया था, तो कैंपबेल ने किया था। नाना साहब किसके पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको काफ़ी आसानी से और काफ़ी विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको मेरी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।